नहीं, मैसेज यही देंगे कि देखिए पार्लियामेंट तो काम कर रहा, पार्लियामेंट के जो एमपीज हैं उनको अब सस्पेंड कर दिया है, तो ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है ना। तो एकदम एकदम आई कैन अंडरस्टैंड 5-6 अगर फिर ठीक बोल सकते हैं सस्पेंड कर, बट 140 150 के करीब एमपीज को अगर आप सस्पेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये मैसेज तो पब्लिक को जाना चाहिए, मालूम होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में अगर आप पूरे एमपीज को ही बाहर निकालेंगे तो फिर पार्लियामेंट चलेगा कैसा। लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि जो नियमों का उल्लंघन संसद के अंदर करेगा उनको बाहर किया जा रहा है और कार्यवाही को संसद की चलाने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई नहीं, उल्लंघन तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए जो बात तो सुनना चाहिए ना, हमें हर आदमी का अख्तियार होता है, क्योंकि आप जब पार्लियामेंटेरियन आप बनते हैं तो हर पार्लियामेंट एमपी का अख्तियार होता है कि वो बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके वो प्रिविलेज है, तो वो प्रिविलेज को आप बंद नहीं कर सकते। नहीं, मैसेज यही देंगे कि देखिए पार्लियामेंट तो काम कर रहा, पार्लियामेंट के जो एमपीज हैं उनको अब सस्पेंड कर दिया है, तो ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है ना। तो एकदम एकदम आई कैन अंडरस्टैंड 5-6 अगर फिर ठीक बोल सकते हैं सस्पेंड कर, बट 140 150 के करीब एमपी को अगर आप सस्पेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये मैसेज तो पब्लिक को जाना चाहिए, मालूम होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में अगर आप पूरे एमपी को ही बाहर निकालेंगे तो फिर पार्लियामेंट चलेगा कैसा। लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि जो नियमों का उल्लंघन संसद के अंदर करेगा उनको बाहर किया जा रहा है और कार्यवाही को संसद की चलाने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई नहीं, उल्लंघन तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए जो बात तो सुनना चाहिए ना, हमें हर आदमी का अख्तियार होता है, क्योंकि आप जब पार्लियामेंटेरियन आप बनते हैं तो हर पार्लियामेंट एमपी का अख्तियार होता है कि वो बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके वो प्रिविलेज है, तो वो प्रिविलेज को आप बंद नहीं कर सकते ना।